बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं जिसके सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि इन सेंटेंसेस को हमने बनाना किस तरीके से है। तो इनके बनाने का हम कुलिया भी देखते हैं और फिर हम इन सेंटेंसेस को बनाकर आपकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो ग्रामर के रूल्स इस्तेमाल होते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सेंटेंसेस कैसे हैं? मुझे क्या मालूम था कि वो मुझसे धोखा करेगा। मुझे क्या मालूम था, इसके लिए हम जो फ्रेज़ इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे क्या मालूम था कि वो इतना कमीना निकलेगा। मुझे क्या पता था कि वो मेरी रकम अदा नहीं करेगा। मुझे क्या पता था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। तो ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं, तो इनको हम देखते हैं बनाने का। पहले इसका फार्मूला क्या है, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो मुझे क्या पता, मुझे क्या मालूम था, यानी मुझे क्या पता था के लिए हम यूज़ करेंगे लिटल डिड आई नो, और उसके बाद हमने बाकी का सेंटेंस जो है वो लिख देना है। आपने याद रखना है इसमें ग्रामर का जो रूल है वो ये है कि जब एक क्लॉज जो है वो पास्ट में होती है, ये पास्ट है, तो उसके बाद जो सेंटेंस बाकी का हम लिखते हैं, दूसरी क्लॉज जो लिखते हैं उसको भी हम पास्ट में ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम विल, शैल, इज़, आर, एम वगैरह नहीं यूज़ कर सकते। यानी अगर पास्ट को यूज़ करना है तो फिर हम वाज़, वर वगैरह यूज़ करेंगे। ठीक है, और विल की जगह पे हम यहाँ पे वुड को यूज़ करेंगे। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो हम सेंटेंसेस बनाकर आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझसे धोखा करेगा। तो क्या आ गया, लिटल डिड आई नो। आप डैट लगाना चाहें तो लगा लें, अगर ना लगाना चाहें तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दें, लेकिन हम डैट लगा लेते हैं। चलो, दैट ही वुड, ये बात आपने याद रखनी है कि ही के बाद आपने विल नहीं लिखना। ही वुड डिसीव मी, लिटिल डिड आई नो दैट ही विल डिसीव मी। मुझे क्या मालूम था कि वो मुझसे धोखा करेगा। लिटिल डिड आई नो यानी मुझे नहीं, मतलब है कि मुझे मैं नहीं मालूम था, मफहूम ये अदा है, इससे निकल रहा है। मुझे क्या मालूम था कि वो इतना कमीना निकलेगा। ये देखिए बड़ा अहम सेंटेंस है। तो लिटिल डिड आई, उसी तरीके से लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड प्रूव टू बी आप लिख सकते हैं, कम आउट टू बी भी लिख सकते हैं। प्रूव टू बी सो क्या मीन होता है कमीना। ठीक है, तो देखिए लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड प्रूव टू बी सो मीन, ही वुड कम आउट टू बी सो मीन। आप दोनों तरीक़ों से सेंटेंस को बना सकते हैं। मुझे क्या पता था कि वो मेरी रकम अदा नहीं करेगा। तो देखिए लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड नॉट पे माई मनी। तो ये सेंटेंस बन गया। इससे अगला सेंटेंस आपके लिए है, मुझे क्या पता था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। इस सेंटेंस को आप मुकम्मल करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर इसमें कोई गलती हुई तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा।